जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ये वही सारे सम है जो हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेके 7.7 तक कर चुके हैं। ओके, आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और मिसलिनियस एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से 24 भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख के मुझे ये लगता है कि हम पर्टिकुलर एक मेथड पढ़े थे जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़े थे। ये उसी के रिलेटेड सम है। कैसे? नीचे दिख रहा है x+1 और x²+9। अगर मैं अंदर इसका मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर का करता हूं तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 3 होगी। और न्यूमरेटर की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। डिग्री याद है ना आपको? डिग्री। ओके, तो ऊपर वाले की कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। चलिए कैसे, यहां पे लिखेंगे 5x+1 x²+9 = a/x+1+, यहां पे x²+9 है तो मैं लिखूंगा कैसे? bx+c/x²+9। ओके, ये आपको पता है। सर अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पे 5x=a(x²+9)(b)(x+c)(x+1) ऐसे लिख देंगे। यस, चलिए ठीक। अब आपको ये पता होना चाहिए a के नीचे कौन है? x। तो x+1=0 लेके मैं x=value क्या रखूंगा? -1। तो मैं पहले क्वेश्चन में x की जगह पे -1 लिखूंगा। तो -5=a(, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो +1×9, तो यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, प्लस ये वाला तो 0 ही हो गया, तो ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा -1/2=a। चलो a की वैल्यू मिल गई, -1। अभी आपको b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉन्स्टेंट फाइंड करने हैं। चलिए कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको कंपेरिजन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो भी x², x³ जो भी टर्म्स बनती है उसके कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट का कंपेरिजन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे x² b किसके साथ है? b है bx²। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे आएगा bx²+bx+cx+c, और ये क्या है? ax²+9a। ओके, इतना। और उसके सामने 5x है, तो सिर्फ x वाली टर्म है, कॉन्स्टेंट वाली टर्म x² के साथ क्या होगी? 0। अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई x², आगे 0 होगा ना? यस, 0x²+5+0, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, इन शॉर्ट ये 5x टर्म ही लिखी है मैंने। ये जो लिखा है वो क्या लिखा है? 5x से लिखा है। चलिए ठीक है, अब x² वाली टर्म किस किस के पास है? तो यहाँ पे ax²+bx², तो a+b। ओके, चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, 0x²+5x+0=a+b×x², ऐसे लिख सकते हैं। फिर सिर्फ x वाली टर्म किसके पास है? b+c×x। सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म किसके पास है? यहाँ पे 9 है प्लस सी, तो यहाँ पे +9a+c, ऐसे लिख सकता हूँ। x² को x² के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a+b=, मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे b+c मुझे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ओके, बस दोनों से ही मुझे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। देखिए, तो a=-b लिख सकता हूँ, तो b=- से लिख सकता हूँ। तो b की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो a की वैल्यू है आपके पास -1/2=b, तो b मुझे क्या मिल गया? b मिल गया 1/2। अब 1/2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो c=5-b लिखना पड़ेगा, तो 5-1/2 लिखने पड़ेगा, तो यहाँ पे बचेगा 9/2। देखिए 10-1 तो 9/2, तो c आपको मिल गया 9/2, b मिल गया 1/2, a मिल गया -1। अब इसकी वैल्यू जो कॉन्स्टेंट हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू मैं कहाँ पे रखूँगा? उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे, क्योंकि यही तो मेरा क्वेश्चन है।
ओके तो आपका सम कुछ ऐसा बनेगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस वन बाई टू एंड डिनोमिनेटर में x प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस b, b की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई टू इंटू एक्स, वन बाई टू इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू नाइन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इंटू डी एक्स। ओके चलिए ठीक, माइनस वन बाई टू बाहर निकलेगा, ओके ये लॉग मोड में x प्लस वन बन गया ना। अब यहां पे जरा सोचने जैसा ये है इस टर्म के अंदर कि अगर मैं दोनों के पास वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू को कॉमन निकालूंगा, देखिए तो बनेगा क्या, x प्लस नाइन बनेगा, x प्लस नाइन। तो अगर मैं x प्लस नाइन के दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट करूं तभी मैं ऐसे लिख सकता हूं। सर ऐसा क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, इसको अगर मैं टी लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो मैं एक चीज करने वाला, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, 2 से डिवाइड किया। ओके चल इस टर्म की पर्टिकुलर इस टर्म को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और ये 1 बाई टू तो सभी के साथ यहां से ही कॉमन निकाला है तो दोनों के साथ। चलिए तो मेरा आंसर कुछ माइनस 1 बाई टू, ये लॉग इसका तो आपने फॉर्मूला रख ही दिया है पहले ही, प्लस 1 बाई टू। ठीक है यहां पे क्या बनेगा, लॉग मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 बनेगा ना। यस अगर नीचे वाले का आप ये पढ़ चुके हो, अगर नीचे वाले का ऊपर आपके पास डेरिवेटिव है तो आपका आंसर आएगा लॉग मोड में नीचे वाला, ये फॉर्मूला था आपको याद हो तो बस यही 1 बाई टू तो अपनी जगह पे लिखा, लॉग मोड में नीचे, और ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे प्लस 9 1 अपॉन ए, ए मतलब 3, टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री प्लस सी। ओके तो ऐसा कुछ आंसर आपको मिल रहा होगा बच्चे, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, ये 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे 9 के साथ कट होगा, कट हो जाएगा। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, माइनस 1 बाई टू लॉग मोड में x प्लस 1 प्लस 1 बाई फोर लॉग मोड में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके तो यहाँ पे प्लस 2 बाई सॉरी ऊपर 3 बचा है तो 3 बाई टू टेन इनवर्स x बाई 3 प्लस c, ये कुछ आपका आंसर बनेगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। देख लेते हैं 3 बाई टू टेन इनवर्स 6 बाई ए प्लस। ओके राइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कैसे किया, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th देखें। 7th जैसा सम हम एक 7.2 या 7.3 के अंदर एक सम हम कर चुके, यहाँ पे एंगल है x, नीचे एंगल है x माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर ऐसा एंगल बनाने के लिए x माइनस ए किया प्लस ए किया, देख लीजिए x माइनस ए किया क्योंकि नीचे वाले का एंगल सेट करना था। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन यहां पे बचेगा x माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए, दोनों के डिनोमिनेटर को अगर मैं सेपरेट कर देता हूं तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला के रूप में सेट होता दिखेगा। देखिए ये साइन साइन विल बी कट, यहां पे कॉस ए बचा, कॉस ए है लेकिन आपको इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये याद रखना। तो यहाँ पे कॉस ए तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 कॉस ए को बाहर निकाल देते हैं प्लस ये क्या बन गया, साइन ए को बाहर निकालो क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है, ये बना कॉट। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में साइन
ओके चलिए ठीक है। तो ये x, 1 का इंटीग्रेशन x cos है प्लस ये sin है, log मोड में sin x माइनस a प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। ओके चलिए ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8th के अंदर क्या दिया है। देखिए ऐसा कोई भी सम हो, ये सम आपको जनरली एमसीक्यू के रूप में दिखेगा, मिलेगा। e की पावर में कोई भी अगर लॉग दिख जाए आपको, तो आपको पहले उसको सिंप्लीफिकेशन के रूप में कैसे लिखना है आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ इतना देखिए, अगर ऐसा होगा कि भाई 5 log x, तो मैं 5 को x की पावर में लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। और अगर ये चीज़ e की पावर में हो गई, तो e की पावर में log, यहाँ पे बेस भी e ही होगा। अगर ये दोनों log का बेस एंड ये जो दिया गया है, ये दोनों अगर सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, x की 5 पावर। ओके ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे, e की पावर में log x की 5 लिख सकता हूँ, माइनस e की पावर में log x की 4 लिख सकता हूँ, अपॉन e की पावर में log x की 3 पावर लिख सकता हूँ, माइनस e की पावर में log x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इतना मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे सभी में log का बेस e होगा, ज़रा देखिए बेस e ही है, कुछ नहीं लिखा मतलब e। तो ये e और बेस e दोनों सेम है, तो यहाँ पे बनेगा x की 5 माइनस x की 4, x की 3 माइनस x का स्क्वायर। ओके x की 4 ऊपर से कॉमन निकालिए, x माइनस 1 बचेगा, यहां से x का स्क्वायर कॉमन निकालिए, x माइनस 1 बचेगा, ठीक। x माइनस x माइनस विल बी कट, यहां पे x स्क्वायर इंटू dx बचा, तो आंसर आएगा x क्यूब बाई 3 प्लस c, दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि नीचे जो टर्म दिए उसका ऊपर डेरिवेटिव है कैसे। अगर आप यहां पे साइन एक्स को टी लेते हो, सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी क्वेश्चन में प्रेजेंट है, यस। तो बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन ये सम इजीली हैंडल हो जाएगा, अंडर रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना साइन इनवर्स का। ओके तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स मतलब ये टी बाई ए मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, 2 का स्क्वायर, तो टी बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रखिए, साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 10th बहुत इंपॉर्टेंट सम इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे साइन की 8 पावर दी है, कोस की 8 पावर दी है, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिया है। ओके जनरली हम क्या करते हैं, अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं। अगर आपके पास a का 4 माइनस b का 4 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपके पास a का 8 माइनस b का 8 होता तो a का 4 प्लस b का 4, a का 4 माइनस b का 4, ऐसा लिखते थे। ओके ये चीज आपको याद, ये तो आपको पता है, मैं भी ये भी पता हूं, लेकिन ये नहीं पता होगा ये सेम कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है। तो 8 माइनस ए का 8 माइनस बी का 8 अगर होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो बस वही करना है यहां पे, ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस कोस की पावर 4x। तो कोई स्टूडेंट ऐसा ना सोचे सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो साइन की 4 प्लस कोस 4 भी 1, नहीं ऐसा नहीं होता। ओके सिर्फ स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी है वो 1 वाली, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे और 4 पावर दिया है, देखिए साइन 4 माइनस को, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पे ये बन सकता है, 4 पावर दी है, वहाँ पे ऐसा बन सकता है। और एक चीज़ देखिए, साइन की 4 प्लस कोस की 4 है, तो इसको मुझे अगर अकॉर्डिंग टू सम लिखना हो, बाकी का सम कुछ ऐसा है। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब इसका सिंप्लीफिकेशन बताओ। देखिएगा, अगर आपको a का स्क्वायर प्लस b, अच्छा a की 4 प्लस b की 4 चाहिए सपोज, तो आप कैसे निकालोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अच्छा ए की 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की 4, ऐसा ही होगा ना? हाँ ऐसा ही होगा। अब ए स्क्वायर मुझे ये चाहिए, इस फॉर्मूला में से ये कैसे मिलेगा, a की 4 प्लस b की 4 को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू a की 4 प्लस b की 4, तभी आपको मिलेगा। सर आप ये क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको साइन की 4 प्लस कोस की 4 जो दिख रही है, a की जगह पे आपको क्या लिखना है साइन, b की जगह पे क्या लिखना है को? तो देखिए साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर, तो वो वन बन जाएगा। देखिए ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं अकॉर्डिंग टू दिस, इसको इसके साथ कंपेयर करिए, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में। ओके, ये वन बन गया, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखिए अगर आप नोट कर रहे हो तो ये डिनोमिनेटर बन चुका है, ये 1 बन जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा है, ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला है, कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बेटा? कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला। लेकिन कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला ऐसा होता है, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो सर यहाँ पे तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर दिया है, ये 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया। 4 पावर वाली टर्म को मैंने इस फॉर्मूला से ऐसे लिखा। ओके, इसका और इसका सिंप्लीफिकेशन आपको पता चल गया इन दोनों का। अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर दिया है, तो उसको मैं फॉर्मूला के हिसाब से अगर सोचो, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपके पास है कोस 12, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो आपको माइनस कोस 2 एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस बाहर लिखते हैं, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई क्या बना, डिवाइड बाई बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये दोनों निकल गया, मेरा आंसर हो गया माइनस कॉस 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ओके, माइनस साइन 2x, लेकिन एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में 2 प्लस सी, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आ गया माइनस साइन 2x बाई 2, दिस इज द राइट आंसर। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई डाउट है, साइन की 4 प्लस कोस की 4 को मैंने इस रूप में कैसे लिखा, तो मैंने यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला का सेटअप दिया है। ओके, इसी अकॉर्डिंग मैंने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11। अगर 11 आप देख रहे हो तो हम 7.2 या फिर 7.3 एक्सरसाइज के अंदर एक ऐसा सम कर चुके हैं। मैंने वहाँ पे साइन किसी एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर के जो एंगल दिए हैं वो एंगल आपको न्यूमरेटर में बनाने हैं। देखिए मैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन ए माइनस बी से डिवाइड करूँगा। ऐसा क्यों किया, अभी आपको आइडिया आ जाएगा ऐसा क्यों किया। देख लीजिए, मुझे एंगल कौन सा बनाना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा एंगल बनाना है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ओके, ऐसा एंगल बनाना है, कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। साइन
मैं लिखूंगा क्या, तो कि एंगल x प्लस से माइनस x माइनस बी लिखूं तो ये एंगल में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, a माइनस बी ही बन रहा है। देखिए तो x प्लस ए माइनस x, x निकल जाएगा माइनस माइनस प्लस, अच्छा मुझे यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए था। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल को सेट किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, सिर्फ एंगल को कैसे सेट किया कि सर मुझे यहाँ पे वन दिख रहा था, अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मुझे डिनोमिनेटर के अंदर दिए हुए फंक्शन मिले, तो आपने यहाँ पे साइन ही क्यों किया, क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस एक्स एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, और दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट लिखना है, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, इसके नीचे भी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ओके, एकदम सिंपल सम हो गया, जो दोनों सेम फंक्शन हो ये कट हो, ये दोनों निकल जाएगा, कॉस कॉस वाला यहाँ पे भी कॉस को, तो मुझे मिलेगा क्या, टेन मिल रहा होगा। देख लीजिए वन अपॉन साइन ए माइनस बी यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे टेन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस टेन एक्स प्लस बी इंटू डी, तो टेन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 10 विल बी लॉग मोड में sec, ओके, तो बस वही लिखना है, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मोड में sec x प्लस ए माइनस लॉग मोड में sec x प्लस बी प्लस सी, दिस इज द आंसर। अगर आप लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी, मतलब लॉग ए बाई बी लिखोगे तो भी सही है, तो आंसर के रूप में मैं कुछ ऐसा लिखूं, वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो दिया ही, यहाँ पे लॉग मोड में सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12th, देखिए यहाँ पे मुझे दिया है x का क्यूब, नीचे दिया है x की 8 पावर, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर पावर 3 दी है तो उससे आप इस रूप में लिख के, मतलब इस रूप में क्यों, क्योंकि x की 4 को अगर मैं t एज्यूम करूँगा तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4 लिखना पड़ेगा, तो dt by 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या बचा, अंडर रूट के अंदर बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, देख लीजिए अब 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, 1 बाई 4 यहां पे साइन इनवर्स t बाई 1 प्लस सी मिलेगा, t की वैल्यू वापस रखेंगे 1 बाई 4 साइन इनवर्स t की वैल्यू x की पावर 4 प्लस सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज राइट इट डाउन।